हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में जानेंगे और दो इक्वेशन देखते हैं हम कैसे बताएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स प्रतिच्छेदी रेखा है, पैरेलल लाइन दैट मीन्स समांतर रेखा है और कोइंसिडेंट लाइन्स दैट मीन्स समपाती रेखा है। तो पहले देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब क्या, दैट मीन्स जो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, इस तरह से एक पॉइंट पे उसको वो इंटरसेक्ट करेगा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब अगर वो लाइन इस तरह से है तो लाइन ये जो आपकी इक्वेशन होगी इसको अगर आप ग्राफ पेपर में पुट करोगे तो आपका जो लाइंस वहां पे बनेगा वो इस तरह से पैरेलल लाइंस, ठीक है, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी नहीं। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स एक के ऊपर एक लाइन है, उसके ऊपर ही और एक जो इक्वेशन उससे जो लाइन बनेगा वो ठीक इसके ऊपर ही है। कोइंसिडेंट इसको हम हिंदी में कहते हैं समपाती रेखा है, कोइंसिडेंट लाइंस। पहले तीनों लाइन क्लियर हुआ, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। अब देखो यहाँ पे आपके दो इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, सपोज यहाँ पे अगर आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सपोज द इक्वेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी इक्वेशन है इसके फर्स्ट को ये x के कोफिशियंट को यहाँ पे a1, ये b1 और ये c1 और इसको हम a2, ये b2 और ये c2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो कोफिशियंट है इसको हम कंपेयर करके देखेंगे, तो हमें चेक करना है a1 बाई a2 चेक करोगे, b1 बाई b2 चेक करोगे और c1 बाई c2 चेक करोगे। चेक करने के बाद अगर 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 यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 आया, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 आया, दैट मीन्स ये कंडीशन है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मीन्स वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन से आप इजीली कह सकते हो। तो जस्ट आपको इक्वेशन देखना है, वहां पे चेक कर a1 बाई a2 क्या होगा, इसके a1 बाई a2 2/4 और b1 बाई b2 3/6, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे ये तो हाफ, ये भी हाफ। सो देखो इस केसेस में क्या हो रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। अगर ये तो इक्वल ना हो तभी होता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका पैरेलल, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे साइड पे कंडीशन अब लिखते हुए जा रही हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन हो गया a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कब होगा, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ तो बराबर है बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो जैसे ये वाला देखो आपका पैरेलल लाइंस के इक्वेशन है, क्यों, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है बट ये नॉट इज इक्वल टू, ये नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, क्यों, क्योंकि c1 बाई c2 क्या है 9/7। सो ये आपकी जो इक्वेशन है ये पैरेलल लाइंस है। सो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या हुआ, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है, जो एक लाइन के ऊपर ही और एक लाइन समपाती रेखा है, दैट मीन्स इसके सभी चीज बराबर है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तभी वो आपका है कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हुआ पहले ये चीज। देखो अब हम आगे जानते हैं इसका सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन है इसके, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इंटरसेक्टिंग जब लाइंस होंगे यहाँ पे कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दैट मीन्स इसका ओनली वन सोल्यूशन है, जहां पे सोल्यूशन मतलब जहां पे वो छेद एक दूसरे को जहां पे वो कट करते हैं वो उसका सोल्यूशन है। तो इसका ओनली वन सोल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन, दैट मीन्स प्रतिच्छेदी अगर रेखाएं हैं दैट मीन्स उसका सोल्यूशन पे ओनली वन सोल्यूशन है। जो पैरेलल लाइंस है उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्यों, चीजों को समझना होगा क्योंकि ये तो कभी मिट करेगा ही नहीं, ये तो ये भी चलता जाएगा ये भी चल जाएगा, ये नहीं कि बस इसको रट लो कि इसका ये सोल्यूशन होता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये नहीं, चीजों को समझो फिर उसको आप रट लो, फिर वो कभी आप भूलोगे नहीं क्योंकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके पास होगा, तो आप
कभी उसको भूलने की कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो पैरेलल लाइंस, तो ये तो पैरेलल लाइंस तो कभी आके जाके कट वो नहीं करेगा, सो दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन आप कह सकते हो, नो सोल्यूशन। जो कोइंसिडेंट लाइंस दैट मीन्स संपाती रेखा है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्यों होता है इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन? क्योंकि ये तो एक के ऊपर ही और एक है, दैट मीन्स ये हर जगह पे एक दूसरे को कट कर रहा है, सो इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ? किस तरह से दो इक्वेशन देख के हम बता देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, या इसके कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।